ब्रॉट टू यू बाय बिज एनालिस्ट बाय खाता बुक। एक ऐसा एक्शन हुआ जिसने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा एक्शन लेते हुए शिवसेना के नेता संजय राउत की पत्नी की करोड़ों की संपत्ति अटैच की है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र में जमीन घोटाले को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की है। मामला पात्रा चौल जमीन घोटाले से जुड़ा है। इसमें से 9 करोड़ की प्रॉपर्टी प्रवीण राउत की है, वहीं 2 करोड़ की प्रॉपर्टी संजय राउत की पत्नी की है। प्रवीण राउत महाराष्ट्र के एक बड़े बिजनेसमैन है। इस बारे में शिवसेना नेता संजय राउत क्या कह रहे हैं, सबसे पहले हम आपको ये सुनाते हैं। आप जिसे प्रॉपर्टी बोलते हो, प्रॉपर्टी नहीं है, वो हमारा घर है जहाँ हम रहते हैं, छोटा घर है दादर में, और मेरा नेटिव प्लेस है, वहाँ का एक छोटा जमीन का टुकड़ा है। वो बोल रहे हैं 7 प्लॉट के 8 प्लॉट, में देख रहा था, 1 एकड़ भी जमीन नहीं है। 2009 के आसपास का कुछ है, उस वक्त सस्ते में जमीन मिली थी, हमने हमारे मेहनत की कमाई से ली है। आप किसी घोटाले से आप नाम जोड़ रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। ये लोगों को आप कितना झूठ करोगे, कभी ना कभी आपको भुगतना पड़ेगा ये सब। आपकी शरद पवार से या उद्धव ठाकरे से बात हुई? जरूर, क्यों नहीं होगी, फोन आया था सबका। हमारे लोग मेरे साथ है, हम एक परिवार है और रहेंगे। ऐसे झूठ मूठ से, ऐसे बेकायदेशीर गैर कानूनी तरीके से अगर लगता होगा हमारे जैसी व्यक्ति चुप बैठेगी तो आप गलत फहमी में हो। इस देश में शैतान का भी अंत हुआ है, राक्षस भी मरे हैं, ये मत भूलो। और हम डरेंगे नहीं, क्या करोगे आप ज़्यादा से, हमें जेल में डालेंगे झूठे मुकदमे निकाल कर। हरिंद पंडा जैसे गोली चलाओगे, चलाइए, हिम्मत है तो, हम तैयार हैं। आप तैयार हैं? आपको ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों से आपकी जो लड़ाई है वो ख़त्म होने वाली नहीं है, आप पीछे हटने वाले नहीं हो? वो डर गए हैं, हम नहीं डरे हैं, हम क्यों पीछे हटो। इसलिए तो ये सेंट्रल एजेंसी का सहारा लेकर झूठे केसेस, झूठी कार्रवाई चल रही है, हम नहीं डरेंगे, अब तो ज्यादा डेंजर हो गया हूं। इस मामले में बीजेपी नेता किरीट सुमैया का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि संजय राउत ने ईडी को बताया कि उन्होंने 55 लाख रुपए का चेक प्रवीण राउत को लौटा दिया था। प्रवीण अभी जेल में है। सवाल है कि क्या संजय राउत उनके बिजनेस पार्टनर थे। मैंने ईडी से इस मामले में संजय राउत की भूमिका की जाँच की मांग उठाई थी। अब हम आपको इस कथित घोटाले के बारे में बताते हैं। मामला पात्रा चौल जमीन घोटाले से जुड़ा है। ईडी ने 11 करोड़ की संपत्ति अटैच की, जिसमें 9 करोड़ की संपत्ति बिजनेसमैन प्रवीण राउत की और 2 करोड़ की प्रॉपर्टी संजय राउत की पत्नी की बताई जा रही है। कुल मिलाकर 1034 करोड़ के घोटाले का आरोप है। बताया जा रहा है कि इसमें अलीबाग स्थित प्लॉट और दादर स्थित फ्लैट शामिल है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में महाराष्ट्र के बिजनेसमैन प्रवीण राउत को फरवरी में गिरफ्तार किया था और बाद में चार्जशीट भी दाखिल की थी। एजेंसी ने पिछले साल संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से पीएमसी बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़े एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले और प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी के साथ उनके कथित संबंधों के संबंध में भी पूछताछ की थी। न्यूज़ तक ब्यूरो।